स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे NAS मॉक टेस्ट पेपर वन, ठीक है। NAS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, दो सेट आया है ना, तो दोनों सेट अभी लगातार मिल जाएगा, ठीक है। एक मिलेगा अभी, उसके बाद फिर जस्ट थोड़ा देर बाद दूसरा सेट भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। दोनों का वीडियो एक साथ बनाएंगे। तो कक्षा 8 का है ना, समय रहेगा बाबू 2 घंटा, प्रति प्रश्न 2 मिनट लगभग समय देना है, प्रश्नों की कुल संख्या 60 रहेगा। के लिए निर्देश के, निर्देश पढ़ लीजिएगा, निर्देश क्या पढ़ते रहे, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। OMR शीट में रहेगा, OMR शीट भी इसमें दिया हुआ है, तो देखेंगे OMR शीट भी है ना, कैसे टिक करना वो सब समझेंगे। चलिए ये आ जाते हैं क्वेश्चन में, इस तरह का पूरा पेपर रहेगा बाबू, है ना, जैसे दिख रहा है, दिख रहा है सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ये भी है ना, ये जो पोस्टर दिख रहा है ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। ये देखिए, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों को सही के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। मतलब ये एक सूचना दिया हुआ है, ये जो सूचना दिया हो ना, ये एडवर्टाइज जैसा, ये तो इसे को पढ़ करके आंसर देना है। देखिए ये सूचना क्या चीज़ का है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, यानी ऑनलाइन कक्षा हो रही है, कोरोना की ही बात है, इसी साल का है क्वेश्चन, है ना। प्रिय अभिभावक, सादर नमस्कार, आप सभी अनुरोध है कि अपने बच्चे को का दाखिला शासकीय विद्यालय में करवाकर अपने बच्चों की सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनिए। शासकीय विद्यालय में ही दाखिला क्यों, तो उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो खैर इसको पढ़ते रहिएगा। आप क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कोरोना काल में शासकीय विद्यालय में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो ये कोरोना काल अभी लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है, तो इस पर एक आध क्वेश्चन जरूर रहेगा कोरोना को लेकर के, ठीक है। क्योंकि जितना भी सेट देखिए सब में एक आध क्वेश्चन कोरोना को लेकर है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैसा शिक्षण चल रहा है, तो ऑनलाइन है ना, हम भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस कोरोना के दौर में, ठीक है। अभी तो थोड़ा न्यूट्रल है कोरोना, है ना, लेकिन ऑनलाइन कक्षा हो रही, तो ऑनलाइन आंसर होगा। अगला है, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि, तो ये जो पोस्टर दिया हुआ है उसमें उसके अनुसार जवाब देना है। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास हो सके इसीलिए गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है। किस गतिविधि ने के बच्चे के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं, तो आसपास की खोज गतिविधि द्वारा इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, शासकीय विद्यालय में कौन के लिए क्या सही नहीं है, तो शाला में शिक्षण शुल्क लेना ये सही नहीं है, ठीक है। काहे कि वो सरकारी विद्यालय, फ्री पढ़ाई होती है। यह पोस्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके लिए लिखा गया है, तो अभिभावकों के लिए लिखा हुआ है ना, पोस्टर के ऊपर में ही लिखा हुआ, प्रिय अभिभावक यानी अभिभावक को लिए, गार्जियन के लिए लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिए, दी गई प्रसिद्ध व आयुर्वेदिक दवाइयों की तालिका के आधार पर प्रश्नों का सही उत्तर OMR शीट में भरना है। ये एक तालिका दिया हुआ, इसमें दवा है, उसका प्रकार है, गुण क्या है और सावधानी क्या रखना है, उसको पढ़ करके, और इसके पर कुछ क्वेश्चन है उसको जवाब देना है, ठीक है। किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसको पढ़ के जवाब देना बाबू, है ना। तो सब में देखिए, चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए कोई भी दवा लेने से पहले, तो सावधानी है, ठीक है। तो वही चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। तालिका के अनुसार दवाओं का कितनी श्रेणी में बांटा गया, दवा को कितनी श्रेणी में, तो 7 श्रेणी में बांटा गया, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 7 श्रेणी में 7 तरह का दवा यहाँ पे बात हो रहा है। तालिका के अनुसार वे 2 औषधियों के नाम कौन सी है जो श्वास से जुड़ी रोगों का में उपयोग होता है, तो वो है वयोसाद्विटी और अभ्रक भ्रस्म, ठीक है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तालिका में ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए कौन सी औषधि है, तो ताकत बढ़ाने और पाचन के लिए अमृता रिष्ट है, और एक है अश्वगंधा, किधर है, हाँ अश्वगंधा चूर्ण, ठीक है। आंसर होगा इसका दूसरा और चौथा। किस शब्द को दीर्घ स्वर संधि की श्रेणी में रखा जाता है, दीर्घ स्वर संधि में
अश्वगंधा आ सकता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। नीचे एक अनुच्छेद इस तरह का दिया हुआ है, साइकिल मानव में चलित पैदल, ये साइकिल के बारे में है, ये पूरा है ना। तो ये साइकिल का क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका व्यक्तिगत यातायात का सबसे किफ़ायती साधन कौन है, तो साइकिल है, पेट्रोल डीजल कोनो नहीं लगता है। ठीक है, बिना पैडल के कौन सी साइकिल चलती, साइकिल थी बिना पैडल वाला साइकिल, तो लकड़ी की साइकिल थी उसमें, बिना पैडल वाला है ना, पैडल नहीं था उसमें। पहले सबसे पहले साइकिल का पैडल कहाँ लगे, तो साइकिल के अगले पहिए में सबसे पहले पैडल लगा था ना, आगे का पहिया में था शुरू पैडल। साप्ताहिक मंडी का क्या अर्थ है, तो वो पैसे वाला खत्म है, मंडी साप्ताहिक मंडी माने सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार, मंडी। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, डाक बांटने वाले कर्मचारी को कहा कहते हैं, तो पोस्टमैन कहते हैं। और ये एक देखिए 16 नंबर, 21 मंजिला भवन का नीचे तल नीचे का तल पार्किंग के लिए है। ठीक है, भवन के प्रत्येक तल में 16 परिवार निवास करते हैं, यदि प्रत्येक परिवार में ₹500 लिफ्ट का मासिक शुल्क दिया जाता है, तो लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराने में कंपनी को कितना वार्षिक आमदनी होगी। तो देखिए, लिफ्ट में एक परिवार से ₹500 लिया जाता है। ठीक है, एक परिवार के लिए मासिक महीना में, तो यहाँ 16 का परिवार है, 16 का परिवार का बोला है प्रत्येक भवन भवन के प्रत्येक तल्ले में, हमने हर तल्ला में 16 का परिवार है बाबू, है ना। और कई तल्ला है, तो 21 तल्ला है घर जो बिल्डिंग है, तो 21 तल्ला में। देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ भी देखिएगा कि वहाँ वाहन की पार्किंग नीचे वाला तल्ला में, नीचे वाला में वाहन की पार्किंग, गाड़ी है यानी उसमें परिवार नहीं है, तो कितना बच गया, 20 को तल्ला बच गया, 20 गो में प्रत्येक तल्ला में 16 परिवार है, तो 20 में कितना हो जाएगा बाबू, 20 और 16 गुना करिए तो 16 × 32 यानी 320 परिवार होगा टोटल वहाँ उस बिल्डिंग में। और एक परिवार से 500 लेना है, तो 500 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो 500 से गुना करेंगे तो 3 × 0 लास्ट का ही तो रह जाएगा, अब 5 गुना होगा खाली, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 = 16, तो 16 × 4 = 0 यानी 1,60,000 रुपया उसको आमदनी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुभम ने अपने कमरे के दीवार में 2/3 भाग को पेंट किया, उसकी बहन ने उसकी सहायता की और 1/3 भाग पेंट किया, अब दीवार में कितना भाग बची है। ठीक है, तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, एगो किया 2/3 भाग और एगो की 1/3, तो जोड़िए कितना हुआ, तो नीचे नीचे देखिए 3 3 है यानी एलसीएम 3 होगा, और ऊपर जुट जाएगा 2 और 1 = 3, तो 3 और 3 कट गया तो 1 मन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कोई भी भाग शेष नहीं बचेगा। आगे है, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग का क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो छायांकित भाग ये जो कलर किया हुआ है इसे इसका क्षेत्रफल निकालना, और ये व्हाइट वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अंतर मैंने बोला है घटा देंगे, है ना, तो कितना अंतर का है दोनों में वो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ जितना भी चित्र है ना बाबू, सब आयत है, ये भी आयत, ये भी सब में लंबाई चौड़ा है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई करते जाए, देखिए इसका लंबाई, इसमें लंबाई देखिए 7 है, चौड़ाई 5, तो 7 × 5 = 35 हो गया, यहाँ लिख दिए 35, इसका लंबाई चौड़ाई देखिए 3 है, और इधर यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, यहाँ तो 5 ही होगा इसका भी, तो 5 × 3 = 15, तो ये 15 लिख दिए। उसी तरह ये वाला यहाँ चौड़ाई 5 है, और यहाँ से यहाँ तक है नीचे लिखा हुआ देख लीजिए 7, ठीक है 7, तो 7 × 5 = 35 हुआ। उसी तरह ये ऊपर वाला, ये वाला 7 है, और इधर साइड वाला 3 है, तो 7 × 3 = 21 हुआ ये वाला। इसी तरह यहाँ ये 7 है और ये 3 है चौड़ाई, तो 7 × 3 = 21, और ये 5 है और ये 3, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, तो दोनों सबका क्षेत्रफल निकाल दिए, अब कलर वाला को और बिना कलर वाला को घटा के देखना करना है, तो पहले कलर वाला जोड़ लीजिए कितना होता है, तो कलर वाला देखिए 15 15 30, और यहाँ पे 20 मान चलिए, तो 15 15 30 और 20 50, और ये 20 70, और 1 और 1 = 2, तो 72, तो 72 हो गया, फिर ये 35 35 70, वाइट वाला 70, तो 72 में 70 घटाएंगे तो 2 आंसर। ठीक है, घटाने बोला था दोनों को, तो 2 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में गणित विषय के प्राप्त की दिया हुआ है, मैंने गणित विषय में कितना अंक आया वो दिया हुआ है, कितने विद्यार्थी को 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त हुआ, 70 से 80 के बीच का अध्ययन को प्राप्त हुआ, तो ये देखिए 1, 78 2, 3, 4, यहाँ दाग लगा हुआ है 4 जन को, 4 आंसर, 70 80 के बीच इन लोग का नंबर है। अगला ये एक दिया हुआ है आलेख, इसका करना है क्या करना है,
गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है, गुरुवार और बुधवार में जो उपस्थित है उसमें कितना अंतर है। तो देखिए एक फोटो जो पांच छात्र को दिखा रहा है तो गुरुवार और बुधवार देखेंगे ना, तो बुधवार में देखिए तो एक दो तीन चार पाँच है, तो पाँच पाँच पच्चीस को है, और गुरुवार में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है, तो नौ पच्चीस पैंतालीस, दोनों का अंतर बोला है। तो पैंतालीस में पच्चीस घटाएंगे तो बीस बचेगा, इसीलिए हो गया बीस आंसर। ठीक है, उसके बाद तीन बट पाँच बट्टा नौ को तीन बट्टा पाँच के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम माने होता है बाबू उल्टा है ना, इसको गुना करना है, गुना करना है तीन बट्टा पाँच का व्युत्क्रम, तो तीन बट्टा पाँच का व्युत्क्रम हो जाएगा पाँच बट्टा तीन। ठीक, तो ऊपर हो गया पाँच पच्चीस पच्चीस और नीचे हो गया नौ सत्तिया सत्ताईस, तो पचास बटा पच्चीस बटा सत्ताईस। ठीक है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप दिया हुआ बाबू, तेरह सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप पढ़े होंगे दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये दिया हुआ है तेरह सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो गुना लंबाई दिया हुआ है, नहीं कुछ हो तो छोड़ देंगे लंबाई को, लंबाई को क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, लंबाई को छोड़ देते, एल रहने देते हैं, बी दिया हुआ है ग्यारह बटा चार चौड़ाई, तो लिखेंगे ग्यारह बटा चार बराबर इधर है तेरह। ठीक है, तो एल प्लस ग्यारह बटा चार बराबर तेरह, ये दुगुना में तीन आके भाग। ठीक है, और ये ग्यारह माइनस चार जो है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस ग्यारह बटा चार। अब इसको जोड़ घटाएंगे तो चार एलसीएम होगा, दो दूनी चार तेरह दूनी छब्बीस हो जाएगा, जोड़ घटाव आता होता आता ही होगा छब्बीस, और इधर माइनस ग्यारह, छब्बीस में ग्यारह घटाइए तो पाँच एक छः एक और एक दो पंद्रह आएगा, पंद्रह नीचे है चार, पंद्रह बटा चार आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। इसमें बोला है देख कर बताना है कि क्षेत्रफल किसका अधिक है, दो का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति एक का क्षेत्रफल कम है, सब में क्षेत्रफल को बता रहा है कौन ज़्यादा कौन ज्यादा। पहले क्षेत्रफल देखते कितना है, इसका देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, इसका क्षेत्रफल छः है। अब इसमें देखिए आधा रंगा हुआ, आधा मन एक आधा है ना, ये आधा, तो आधा आधा मिल के दो मिल के एक हुआ, एक हुआ, फिर यहाँ दो दो मिल के एक, यहाँ भी दो मिल के एक, तो तीन, और इधर फिर टोटल है चार पाँच छः, तो ये भी तो छः है ये भी छः, तो दोनों बराबर, आकृति वन और आकृति दो की क्षेत्रफल लगभग बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा कटा हुआ, आधा माने आधा आधा दो रहेगा तब ना पूरा एक होगा है ना, इसीलिए एक नहीं लिखे उसको। अगला क्वेश्चन चौबीस नंबर देखिए, कमीज में ये कुछ कुछ दिया हुआ है, ये टेबल एक बना हुआ है, इस टेबल में बोला है ये क्या दर्शा रहा है, ये आंकड़े किस प्रतिनिधि का मान की आवश्यकता होगी, तो बहुलक, तीसरा आंसर ये होगा लगता है, थोड़ा सा क्वेश्चन उठपटांग है, तो क्वेश्चन यही वाला फाइनल एग्जाम नहीं है, इसलिए एक आध क्वेश्चन उठपटांग रहे तो घबराइए, खाने ये वाला थोड़ी आएगा, एक कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा यहाँ से। संगलन दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा 2019 में पाँच महीने के माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया, वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है, कौन सा महीना में बिजली की खपत का जो अंतर है 400 यूनिट है, तो यहाँ देखिए 400 मतलब घटान ये 400 यहाँ दिख रहा है इसका, और ये लास्ट को लगा 800 है, तो अंतर 400 में 800 घटाइएगा तो 800, तो ये फरवरी और ये मई, तो फरवरी और मई में ऐसा है। ठीक है, 400 का अंतर है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में कौन सा समय सप्ताह के बराबर है, तो सात दिन एक सप्ताह के बराबर है, घटाइए, ये देखिए घटाना है बाबू भिन्न में है, तो भिन्न में है तो नीचे देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 15 होगा, और एलसीएम को भाग देते नीचे हर से तो तीन पच्चे 15 पाँच आएगा, ऊपर वाला गुना होता है तो पाँच दूनी 10 एक हो जाएगा माइनस, 15 को 15 से भाग देंगे तो एक, और ऊपर सात है तो एक सत सात एक। ठीक है, अभी 10 है और सात, 10 में सात घटाएंगे तो तीन एक बटा नीचे है 15, नीचे है 15, फिर कटेगा ये तीन का तीन, तीन पच्चे 15, तो एक बटा पाँच एक्स। ठीक है, एक बटा पाँच एक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से विकल्प में संख्याएं अधिकतम से न्यूनतम क्रमबद्ध है, अधिकतम यानी घटते क्रम है अधिक से कम तक, देखिए यहाँ सात सात छः सात छः पाँच, तो ये घटते क्रम में है। अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, देखिए बाबू थोड़ा डेंजर दिख रहा है लेकिन कोई डेंजर नहीं, आसान है, ये जोड़ घटाव है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक का काम करिए पहले, तो ये हो जाएगा दो बट्टा तीन
प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 5/6, एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 6 का तो 6 होगा, 6 से भाग देंगे ये 3 से, 3 × 2 = 6 और ऊपर से गुना होगा तो 2 × 2 = 4 माइनस 5, तो 4 में 5 माइनस करेंगे तो -1/6। ठीक है, तो इधर है -3/4 बाहर में गुना, अंदर आया -1/6। अब ये काटिए 3 × 3 = 3 × 2 = 6, तो ऊपर माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 1/4, नीचे 4 × 2 = 8 1/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पक्की सड़क बन जाने से गांव के शहर पहुंचने का समय 5 घंटा से घटकर 3 घंटा रह गया, तो बताना है कि कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो 5 लगता था पहले 5 घंटा, अब 3 घंटा में पहुँच जाते, सड़क बन गया थे, तो कई परसेंट कम हुआ उसको बताना परसेंट में, तो कम कितना हुआ उसको पहले निकालेंगे उसके बाद परसेंट निकाल देंगे। तो 5 से 3 हो गया, मैंने 2 कम हुआ, और किस में 2 कम हुआ, तो 5 घंटा में, तो 5 घंटे टोटल को नीचे लिखते हैं गुना 100% लगाना है, तो काट दीजिए 2 × 5 × 10 5 × 0 = 0 यानी 20 × 40%। ठीक है, अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, और दो चित्र दिया हुआ है, इसमें बोला है मिट्टी भी है और पादप अवशिष्ट है, मिट्टी और पादप अवशिष्ट है इसमें, और इसमें मिट्टी के साथ साथ पोलोथीन कांच का टुकड़ा और प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो कौन सड़ेगा कौन अपघटन हो जाएगा उसको बताना है। तो गमला ए का सामग्री अपघटन हो जाएगा यानी सड़ गल जाएगा, काहे कि पादप पौधा का अवशिष्ट है तो गल जाएगा, बाकी प्लास्टिक है कांच है तो वो नहीं गलेगा। ठीक है, दूसरा वाला में अगला एक वाद्य यंत्र, मैं एक याद मंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित झेली, कंपित तार को कंपा के और ध्वनि निकलता है, तो बताओ मैं कौन हूँ बोल रहा है, तो सितार है, सितार में ऐसा लंबा लंबा तार है तो उसको ऐसे हिला हिला के आवाज़ निकालते हैं ना। निम्न में कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, बर्फ का पिघलना, फिर से बर्फ बनाया जा सकता है ना, उल्टा सकते हैं, इसमें बोला है देखिए, एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब स द बिंदु पर 4 नल लगा हुआ है, किन नलों की पानी बराबर होगा, किन नलों का पानी बराबर, तो जो सीधा में एक बराबर में होगा ये देखिए ब और स दोनों में बराबर पानी निकलेगा ब और स। अगला प्रश्न तो 35 नंबर, इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, बोतल दम पानी भर जाता है तो कौन सा बोतल सबसे पहले भरेगा, अगर ये भर जाता है तो उसके बाद कौन जल्दी भरेगा, तो ब भरेगा है, उसके बाद ये अ भरेगा, तो ब और तब अ, तो ब और अ, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग और उनके नाम का सही मिलान करना है, धातु का उपयोग अधातु का उपयोग और मिलान करना है। ठीक है, तो पहला अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो ये कौन सा है बाबू, ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीजन होगा पहला का डी। अधातु जिसका उपयोग उर्वरक पौधों में वृद्धि के लिए करते हैं, तो ये सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, और ये बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक, तो ये आयोडीन है बैगनी, तो ये मिला देना है इस तरह, तो यहाँ तो मिलाना नहीं, लिखने वाला ऑप्शन बताने देंगे, पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का ए हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों में किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है, तापमान और बारिश दर्शाया गया है, तो बोला है किस शहर में हिमपात हुआ, जिसमें सबसे कम तापमान होगा वहाँ पर बर्फ गिरा होगा, तो ये धर्मशाला -5 °C है तो वहाँ बर्फ गिरा होगा। ठीक है, रोही की बहन, रोनी का बहन राशि 5 वर्ष की है, क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य का कितने परिक्रमा कर ली है, तो 1 साल लगता है एक चक्कर लगाने में, तो 12 साल के, तो 12 परिक्रमा। ठीक है, चित्र में दिए गए अनुसार S1 S2 S3 पर आपतित हो रहा है, किन पृष्ठों का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो आपतन कोण परावर्तन आने वाला कोण जाने वाला के बराबर होगा, किस में, तो सीधा वाला दर्पण में, ये वाला में आने वाला कोण जाने के बराबर होगा, इसमें तो उबड़ खाबड़ है तो इसमें इधर उधर घूम जाएगा। ठीक है, अगला बूझो के घर में अप्रैल माह 2020 में बिजली के बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई, तो उसको क्या करना होगा ताकि जो है बिल कम आवे, तो इसका मैं एक उपाय है, ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करें। ठीक है, यानी दूसरे स्रोत का उपयोग करें, है ना। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, तो इस चित्र का अवलोकन करके बताना है शिशु अ शिशु ब का लिंग क्या होगा, तो शिशु अ और ब का लिंग क्या होगा, देखिए ध्यान से, शुक्राणु में होता है एक्स और वाई, तो शुक्राणु अंडाणुष मिल रहा है, एक्स वाले मिल रहा है, दिख रहा है इधर एक्स एक्स, तो एक्स एक्स मिलने से लड़की होता है और एक्स वाई मिलने से लड़का,
तब अ में लड़का बन रहा है लड़का, और इधर वाला में ब में लड़के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा, मैं एक संश्लेषित पदार्थ हूँ जो गर्म करने पर भी नहीं पिघलता हूँ, तो वो बेकेलाइट है, गर्म करने पर भी नहीं पिघलता। उद्योग में विभिन्न मशीनों के चलित भागों को प्रायः तेल दिया जाता है ताकि घर्षण बल घट जाए और क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। अगला है, समय दूरी ग्राफ जो है दिया हुआ है, इसमें क्या आती है? बराबर जा रहे हैं, यानी 8:30 बजे 2, 9 बजे 40 हुआ, 9:30 बजे 60, 10 बजे 80, मतलब बराबर इसी में चल रहा है, तो एक समान चाल से चल रहा है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया में कौन सा आधात्विक भाग लेता है? तो ऑक्सीजन। खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति व चीनी उद्योग का उदाहरण है कृषि आधारित, यानी कृषि से वो सब हो सकता है, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल है ना, कृषि खेती करना होगा ना, कतारी जूस, कतारी का, गन्ना का, तब ना चीनी बनेगा। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था की कानूनी शिकायत की कार्रवाई द्वारा करवाने के लिए सुनवाया जा गया है? तो जनहित याचिका को। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? तो अधिक अधिक मुनाफा कमाना, शुरू में ही न था फायदा कमाना ज़्यादा ज़्यादा, और अंत में भी वही रहा, उन लोग मतलब लूटना, फायदा करना खाली अपना। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो कक्षा द्वारा कक्षा के छात्र द्वारा कक्षा नायक यानी मॉनिटर को चुनना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षक मॉनिटर चुनेगा, तो ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था नहीं हुआ। प्राचार्य यानी हेडमास्टर चुनेगा, तो भी नहीं हुआ। उप प्राचार्य चुने, तो भी नहीं हुआ। स्टूडेंट को चुनने की आज़ादी दीजिए, तब हुआ कि हाँ लोकतांत्रिक है, ठीक है। यह मानचित्र में इन जगहों को झलक दिखाया कि जो अकबर और औरंगजेब शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के हिस्से थे। तो बताना है वर्तमान भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कद उत्पादन हो रहा है तो किस चीज़ की कमी हुई? तो ह्यूमस की, खाद की कमी हो गई, ठीक है। मोहन का आयु 15 वर्ष, वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, तो कई वर्ष उसको किंतु उस प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो अपना क्षेत्र का विकास करना चाहता है तो उसको कई वर्ष और भी करना होगा, मैंने उठना चाहता हूँ मतलब संसद बनना चाहता है, तो 25 वर्ष चाहिए संसद बनने के लिए। तो अभी 15 है, तो 25-10 वर्ष बाद वो चुनाव लड़ सकता है और अपना क्षेत्र का विकास कर सकता है। भारत के एक महान व्यक्तित्व जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया, वो था महात्मा गांधी, हुए थे महात्मा गांधी, ठीक है। माँ ने छत पर एक मटके चट्टानी नमक खड़ा नमक रखा था, रात में वर्षा होने से पानी में बदल गया, तो पानी मिला तो पानी में बदल गया, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। इस चित्र में बताना है कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो ये ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी हो रहा है। इसमें अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, कौन लागू किया था? तो बंगाल कहाँ लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये जोड़ा लगाना है, फिर से मिलान करने वाला, ठीक है। तो इसका जोड़ा, सही जोड़ा हम लगा दिए, अ पहला का ब, दूसरा का अ, तीसरा का द और स होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही। भारतीय थल सेना में सैनिकों का वर्ग बढ़ते क्रम में लिखना है, सैनिक का वर्ग, तो पहले हवलदार होता है, सिपाही, तब लांस नायक, तब नायक। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को गर्म पिघलता पदार्थ ऊपर पट्टी के नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो उससे क्या बनता है? तो उससे बेसाल्ट बोलता है, बेसाल्ट है ना, ठंडा होकर के। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो ज्वालामुखी से संबंधित ये सब है, बस क्रेटर नहीं है, ठीक है। तो क्रेटर इसका आंसर होगा। तो ये 60 क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा बाबू एनएस में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा, हो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को मैं नए हो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पे आपको 6 to 10 भी क्लास मिल जाएगा, 6 to 10 मैथ और साइंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा MCQ देख लीजिए, OMR शीट देखिए इस तरह से रहेगा। UDIS कोड भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आधार नंबर भरना है, ईयर एडमिशन कब हुआ उसको भरना है, सेक्शन भरना है, ID भरना है, ST क्या उसको भरना है, मीडियम हिंदी इंग्लिश उसको भरना है। उसके बाद ये कुछ है अगर वैसा बैकवर्ड तो उसको भरना है, एरिया कोड भरना है, रूलर है कि अरबान है, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट स्कूल है कि एडेड स्कूल है, जेंडर बॉय है कि लड़का उसको बताना है, टेस्ट फॉर्म
नंबर जो रहेगा टेस्ट बुकलेट का उसको बताना है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे भरते जाना है 60 क्वेश्चन। जैसे पहला का आंसर अगर पहला है तो पहला को गोल कर देना है, इस दूसरा का आंसर चौथा है तो चौथा को गोल कर देना है, बढ़िया से है ना। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।